वेल हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर काफी टाइम के बाद। आई एम रियली सॉरी, मैं बिजी था कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आई थिंक 5 to 6-7 डेज हो चुके हैं उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपके काफी मैसेजेस आए मुझे और मतलब बहुत मैसेजेस आए, मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाया, तो थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली एक यूनिटी के साथ चलती है, हमारी फैमिली एक दूसरे के दर्द को समझती है, हमारी फैमिली खुशी में साथ रहती है और दुख में सबसे ज्यादा साथ रहती है, तो थैंक यू सो मच गाइस। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, आप लोगों के मैसेजेस आए, आप लोगों ने पूछा, मुझे बोला, मोटिवेट किया, थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेज उस टाइम पर आने मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों के मैसेजेस ने काफी मुझे मोटिवेट किया। तो बात करते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे मार्केट आउटलुक, इस वीक के लिए मार्केट क्या करने जा रहा है। आज का सेशन मार्केट में कैसा था, लॉस ऑन प्रॉफिट क्या हुआ लास्ट वीक, डिस्कशन उस पे करेंगे। तो वेलकम बैक अगेन, चैनल का नाम मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि एक ऐसा ऑनेस्ट चैनल मिला है आपको जो आने वाले टाइम में आपको ऑनेस्टी शेयर करेगा, आपको फिजूल की स्ट्रेटेजी या फिजूल का व्यू शेयर नहीं करेगा। इस बात की गारंटी, अगर उसको लगेगा कि मार्केट बुलिश लग रहा है तो डंके की चोट पर बुलिश बोलेंगे, फेल होंगे, पास होंगे, वो डिफरेंट है, हमारा काम ट्राई करना है। सबसे पहले बात करते हैं, काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए क्योंकि कुछ ट्रोलर बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, एक लंबे पीरियड से, बहुत टाइम से, कि इसका एक प्रिडिक्शन तो खराब हो कि हम आपको मैसेजेस करें। तो बात करता हूं, सबसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लास्ट टाइम पर, उसमें क्लियर मेंशन था कि 1200 पॉइंट की बैंक निफ्टी रैली करेगा। उस दिन ब्रेकआउट था बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी थी और वो मुझे याद है 51,645 की क्लोजिंग थी और उस टाइम पर मुझे ही ब्रेकआउट नहीं लगा था, दुनिया को ब्रेकआउट लगा था, हर YouTube चैनल को ब्रेकआउट लगा था, हर टीवी चैनल एंकर को ब्रेकआउट लगा था, यही मैं भूल गया था, क्योंकि मार्केट कभी भी एक कॉमन सोच को रिवॉर्ड्स नहीं देता है। क्या हुआ लेट नाइट, हम ऊपर गए, उम्मीद करके गए कि कल गैप अप होगा और एक शानदार गैप अप होगा, मुझे ये उम्मीद थी कि 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होगा, लेकिन सडनली यूएस मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया। गाइस, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने के बाद में डाउ फ्यूचर में एक बड़ी गिरावट, 625 पॉइंट डाउ माइनस में हुआ था, बंद हुआ था, और 500 पॉइंट से ज्यादा की नैसडेक में गिरावट देखने को मिली थी, और नैसडेक एसजी निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 200 पॉइंट माइनस, लेकिन ओपन हुआ था 175 पॉइंट माइनस में, और उसके बाद प्रीमियम पुट का उस रेशो में इंक्रीज नहीं हुआ था जिस रेशो में कॉल का प्रीमियम डिक्रीज हुआ था। तो पहले मैं आपको बता दूं, मेरी पोजीशन हेजिंग में थी, मुझे लॉस हुआ लेकिन बहुत मिनिमम हुआ। दूसरी बात गाइस, मेरा प्रिडिक्शन लेट नाइट आया, मैंने रात को आपको प्रिडिक्शन शेयर किया, तो आपकी पोजीशन क्या थी क्या नहीं वो आपके अकॉर्डिंग थी, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थी, क्योंकि हमने जो प्रिडिक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने बिहेवियर नहीं दिखाया, तो आप बोल ही नहीं सकते कि हमारा प्रिडिक्शन खराब हो गया। हमारा प्रिडिक्शन इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग था, लेकिन ऑनेस्टली गाइस, उस रात को जब डाउ गिरा किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि डाउ जोन्स में इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है, यहां तक कि मैं ये उम्मीद लगा के चल रहा था कि जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ तो 200 पॉइंट माइनस में था डाउ जोन्स, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये ग्रीन में क्लोज हुआ, वहां प्रेडिक्शन निगेटिव हुआ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 100% परफेक्ट हो सकता है मार्केट में? एक लॉन्ग टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद हमारा प्रिडिक्शन गलत हुआ, क्योंकि इसी मंथ में अगस्त में हमने बोला था कि निफ्टी 24,400 था, तो क्लियर कट बोला था डंके की नोट पर के बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा, और आप देखिए जाकर के अगस्त में निफ्टी ने कहां का रेशो बनाया, तो वहां पर कोई बोलने नहीं आने वाला है। निगेटिव लोग एक मक्खी की तरह होते हैं लाइफ में, जो वहीं पर बैठते हैं जहां पर आपके जख्म होता है, तो अवॉइड करते हैं वैसे निगेटिव लोगों को। बात करते हैं अब जो प्रिडिक्शन स्टार्ट होने वाला है, जो ये वीक करने वाला है, क्योंकि ये वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट के लिए भी और इंडियन मार्केट के लिए भी।
करंट की बात करता हूं, करंट में आज निफ्टी ने डे लो बनाया 24,753 का और वहां से 170 पॉइंट की रिकवरी आपको निफ्टी में देखने को मिली, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका था। बैंक निफ्टी ने अपने नीचे के लेवल से 800 पॉइंट की रिकवरी दी है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.5 के भी अंडर में आ चुका था। अब यहां पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर इतना ही पीसीआर ओवरसोल्ड था तो बैंक की पोजीशन हेवी क्वांटिटी में क्यों नहीं बना सकते थे? उसका रीजन था गाइस, आपको मैं बार बार बोलता हूं, कभी भी ओवरसोल्ड से रिकवरी आएगी तो पुट का प्रीमियम तेजी से डिक्रीज होगा, कॉल का प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। कॉल का प्रीमियम अगर 1 रुपीज इंक्रीज होगा तो पुट का प्रीमियम 5 रुपीज डिक्रीज होगा। हमने फिन निफ्टी का 23,650 का पुट शॉर्ट किया 202 रुपीज में, गाइस 202 रुपए में हमने शॉर्ट किया, इसको कवर किया हमने 63 रुपीज में। इसमें हमने वेट किया क्योंकि हमें पता था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट में रिकवरी आएगी, बाउंस आएगा और बाउंस आने पर पुट का प्रीमियम डिक्रीज होगा। और ऑनेस्टली गाइस, अगर 51,000 का लेवल क्रॉस करके बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद कल भी आपको बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती, लेकिन अनएक्सपेक्टेड 51,000 का लेवल क्रॉस करके 51,100 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी एक बार टाइम पर बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके अकॉर्डिंग निफ्टी उत्तर रेशियो में इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहां पर पहला क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या वो टाइम आ चुका है कि बैंक निफ्टी लीड करेगा और निफ्टी अपनी जगह रुका रहेगा? क्या बैंक निफ्टी इस बार लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा, लीड करेगा निफ्टी को? बैंक निफ्टी ये कल के सेशन में क्लियर होने वाला है। मार्केट आवर्स में एक न्यूज लाई जाती है जीएसटी काउंसिल की तरफ से कि उनकी मीटिंग चल रही है और उनका आउटकम आया है कि 2000 की जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर 18% का जीएसटी लगाने की बात की है। कौन है लोग, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं यार? इस न्यूज को लाया गया बैंकिंग को गिराने के लिए। ये न्यूज आने के बाद जब ये टेलीकास्ट हुई तो ये न्यूज आने के बाद बैंक निफ्टी 100 पॉइंट करेक्ट हुआ, लेकिन उस करेक्शन में ऑप्शन सेलर को, पुट बायर को ट्रैप किया बैंक निफ्टी ने और वहां से लाइफ टाइम हाई बनाया 51,000 क्रॉस करने के बाद। अच्छी शॉर्ट कवरिंग अभी पेंडिंग है। निफ्टी के लिए इंपोर्टेंट लेवल है 25,000। गाइस 25,000 पे एक हेवी कॉल राइटर बैठा है। जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, डाउ जोन्स माइनस प्लस में है 400+ पॉइंट्स और इंडियन मार्केट जब क्लोज हुआ है तो 200 पॉइंट प्लस में था और नैस्डेक प्लस में है ऑलमोस्ट 175 पॉइंट प्लस में। अब नैस्डेक के लिए ये पॉइंट है कि क्या लेट नाइट नैस्डेक लीड कर सकता है? अगर लीड नहीं करता है, डाउ जोन्स लीड कर रहा है तो बैंकिंग लीड करेगा, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर डाउ जोन्स लीड कर रहा है तो पूरे चांसेस है कि बैंक निफ्टी कल फिर लीड कर सकता है। इस वीक में इंपॉर्टेंट डेटा है वेनसडे को। वेनसडे को अमेरिका का सीपीआई आ रहा है और इस बार का सीपीआई नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मार्केट के लिए, अमेरिकन मार्केट के लिए और इंडियन मार्केट के लिए भी, क्योंकि थर्सडे को इंडिया का इन्फ्लेशन आ रहा है और इस इन्फ्लेशन के दम पर यह प्रेडिक्शन होने वाला है कि फेड के चेयरमैन 0.25 बीपीएस कट करने वाले हैं या 0.50। अब यह डिपेंड करता है इस डेटा के आउटकम आने पर, मार्केट उसी तरह से वे में लेगा। लेकिन याद रखना गाइस, ये सितंबर का मंथ है और बड़ा सितंबर होता है, ये सितंबर वाइड मूव जाने के आने के लिए जाना जाता है। अमेरिकन मार्केट में हमेशा सितंबर के मंथ में वाइड मूव आते हैं और 2007 भी इसी की एक, यही उस साल में हुआ था, सितंबर में मत भूलना। तो मेरा मानना यह है कि जो सीपीआई नंबर आएगा वो इस बार मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या तो बैंकिंग को लेकर या मार्केट को लेकर वर्ल्ड मार्केट में एक बड़ी रैली स्टार्ट हो सकती है जो निफ्टी को भी वापस से 26,000 लेके जा सकती है। इतना दम हो सकता है मार्केट में वो उस डेटा में, तो उस डेटा पे आपको नजर बना के रखनी है। वेनसडे नाइट अगर आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि आपकी पोजीशन हो सकता है आपकी जीरो पे ओपन, जीरो के आसपास ओपन हो, या आपकी पोजीशन मल्टीपल भी हो सकती है। तो अपनी पोजीशन वेनसडे को हेजिंग के साथ रखना, जितना हेज रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। गाइस दूसरा डिस्कशन, लास्ट 20 डेज इंडियन
ट्रेडर इंडियन ऑप्शन बायर के लिए वर्स्ट ट्रेडर रहे, वर्स्ट डे रहे अभी तक के उसके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के। क्यों रहे? आंसर आपको सबको पता है। बैंक निफ्टी पिछले 15 से 20 दिन में 200 पॉइंट की रेंज में घूमा। मैं लास्ट वाले सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो वाइल्ड मूव फ्राइडे को आया है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले के टाइम की बात कर रहा हूं कि बहुत टाइम के बाद इतना प्रीमियम डीके किया गया कि एक दो एक्सपायरी के प्रीमियम बिल्कुल श्रिंक कर दिए गए, ऑप्शन बायर को बुरी तरह किल किया गया। हमने भी अपनी हेजिंग के साथ पोजीशन बनाई थी, उसमें हमारा 30 से 40 या 50% प्रीमियम डीके हुआ, लेकिन अमाउंट फिनिश नहीं हुआ, ये याद रखना। क्योंकि जिसने भी वन साइड पोजीशन बनाई थी उस टाइम पर, कॉल या पुट कुछ भी बाय किया, वो पूरी तरह फिनिश हुआ है। और इस मार्केट में इतना दम है कि 10 रुपए का प्रीमियम 500 रुपए भी होता है, 400 रुपए भी होता है, 300 रुपए भी होता है, और वो दम इस मार्केट में है। मेरा व्यू कल के लिए मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, अगर 25,000 के ऊपर खुले और सस्टेन किया तो वो शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बैंक निफ्टी ने एक बड़ा हैंडल था बैंक निफ्टी के लिए 51,000। इतनी बड़ी बिकवाली आने के बाद अगर FI 10,000 करोड़ बेचकर जा रहे हैं एक सेशन में, फ्राइडे के सेशन में, तो गाइस क्या हो गया, एकदम से क्या बदल गया कि मंडे के सेशन में 800 पॉइंट बैंक निफ्टी रिकवर कर गया। यहां पे क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, क्या टेक्निकल को मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्या डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, सब कुछ चल रहा है इंडिया में गाइस। जो बोलते थे कि ऑप्शन बायर को सेव करना है, रिटेलर को बचाना है, कि 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, 10% प्रॉफिट करते हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। तो उन पर वो एलिगेशन लग रहे हैं जिसकी आप और हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं गाइस। बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़ी बड़े पोजिशन वाले लोग, बड़े बड़े मैनेजर उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो प्लीज अपने लिए सोचिए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। तीसरी बात, कितना भी वर्स्ट टाइम हो, कितना भी टफ टाइम हो, स्टॉक मार्केट में आपका कैपिटल का 10-25% भी आपके पास है ना, तो उम्मीद मत छोड़ना गाइस। वो 25% आपका 1000% हो सकता है, क्योंकि जब वो कैपिटल 25% बचता है तो वहां पर 90% ट्रेडर गिवअप कर देते हैं और वो ऐसे ट्रेड लेते हैं जहां पर उनका कैपिटल जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि यार ये मैं प्रीमियम बाय कर लेता हूं तो हो सकता है मेरा अमाउंट कल डबल हो जाए। ये गलती मत करना, अपना कैपिटल बचा के रखिए। मार्केट डेली ओपन होती है, डेली इवेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, एक दिन आपके फेवर में चलेगा, आपका पैसा मल्टीपल हो जाएगा, आप फिर से खड़े हो जाएंगे। अपने आप को इस सिचुएशन में सबसे पहले पॉजिटिव रखिए, कोई भी कैपिटल छोटा नहीं होता है, कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता गाइस। मैंने बहुत छोटे छोटे अमाउंट से बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट बनाया है और बनाने में सपोर्ट भी किया है अपने क्लाइंट्स को। तो निगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए। कल का सेशन, आज अमेरिकन मार्केट तेजी दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है बस आपको दो लेवल वॉच करने हैं। बैंक निफ्टी 51,000 नहीं तोड़ता, आपको बैंक का व्यू रखना है। बैंक निफ्टी 51,000 नहीं तोड़ता है, बाय का व्यू रखना है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहेगा और निफ्टी के लिए 25,000 अगर क्रॉस करके सस्टेन कर गया तो वो शॉर्ट कवरिंग आएगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, जो सेलिंग करके भी गया है उसको भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी शार्प रिकवरी आज के सेशन में ही आ जाएगी। बुल रन में हमेशा याद रखना गाइस, जब करेक्शन आते हैं 2 से 3 दिन के आते हैं, 1 से 2% के आते हैं। और मुझे एक और डिस्कशन करना है, मैं देख रहा था यूट्यूब पर, जब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था फ्राइडे के सेशन के बाद, जितनी भी वीडियो आई क्रैश हो गया मार्केट। अरे क्रैश आपने देखा ही नहीं है, कितना परसेंट क्रैश हुआ, निफ्टी 1.17%, सिर्फ 1% गिरा, 1% में निफ्टी क्रैश हो गया। बैंक निफ्टी 1.76% गिरा, अनबिलीवेबल गाइस, मतलब 1.5 से 2% गिरने पर क्या मार्केट क्रैश हो गया। पता नहीं कहां लोग ऐसे तो लोगों को फॉलो करते हैं और उनके फॉलोवर्स बिलीव भी गाइस लाखों में है। अनबिलीवेबल सा लगता है कि 1% का करेक्शन, 1.5 से 2% का करेक्शन आने पर यूट्यूबर या एनालिस्ट क्रैश की बात करने लगते हैं। अगर वो क्रैश था तो गाइस आने वाले टाइम में ऑल वाइल्ड मूव आने वाले हैं। तो पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, लास्ट तक लड़ना है और जीत के जाना है और इस मार्केट में फेल नहीं होना है।
गिव अप मत करना। अगर 25% भी कैपिटल बचता है याद रखना, मार्केट के लिए 25,000 के ऊपर सस्टेन करें, शॉर्ट कवरिंग बढ़िया वाली आने वाली है, जितना को हो सके कोशिश कीजिएगा पुटे शॉर्ट करके पैसा बनाइए। तो थैंक यू सो मच, बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड किया है, कुछ मिस्टेक होगी तो उसके लिए सॉरी। मिलूंगा आपसे कल फिर नई एनर्जी के साथ, नई वीडियो के साथ, अब रेगुलर मीटिंग होगी। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।